नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी एंड नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेक्चर सीरीज़ के अंदर ये मेरा 10वां लेक्चर है और आज मैं इसमें दिसंबर 2011 के पेपर को आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, जर्मन और अंग्रेजी उदारवाद का संश्लेषण जिस विचारक ने किया वह है बोसानकेत। बोसानके भी बोलते हैं इन्हें और इनका जन्म हुआ है 1848 ब्रिटेन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में से कौन राजनीतिक वास्तविकतावाद का सिद्धांतक नहीं है? कंफ्यूज करने के लिए सारा का सारा, वास्तविकतावाद क्या है, रियलिज्म, रियलिस्ट थिंकर इनमें से कौन नहीं है? तो ये है नॉर्मन एंजल। नॉर्मन एंजल है आदर्शवादी, ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, द ग्रेट इल्यूजन। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, जैसा कि रियलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं, अगर रियलिस्ट को लगता है कि युद्ध के द्वारा हम राष्ट्रहित की प्राप्ति कर सकते हैं, तो इनकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आज का टाइम बदल गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज पाकिस्तान भारत के ऊपर आक्रमण करता है और अपना राष्ट्रहित बढ़ाने की सोचता है, तो बिल्कुल गलती है, क्योंकि अगर इधर से न्यूक्लियर वॉर हो गया तो दोनों का भारी तबाही होगी दोनों की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से कौन परिणाम निरपेक्ष विचार का समर्थक नहीं है? परिणाम डी ऑन्टोलॉजिकल थ्योरी। डी ऑन्टोलॉजिकल थ्योरी का सिद्धांतकार मैकियावेली नहीं है, ठीक है। आपके जॉन लॉक भी डी ऑन्टोलॉजिकल मतलब जो स्वतंत्रता पे ज़्यादा बल देते हैं, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसे उदारवादी भी बोल सकते हैं। जॉन लॉक है फादर ऑफ लिबरलिज्म। जॉन रॉल्स भी उदारवाद के महान चिंतक हैं और आइजिया बर्लिन है आपके नियो लिबरलिस्ट, नव उदारवादी। क्वेश्चन नंबर 4, हिंद स्वराज निम्नांकित का समर्थन अथवा पक्ष पोषण करता है? डिजरेली के इंग्लैंड का। दोस्तों, हिंद स्वराज जो गांधी जी ने बुक लिखी है वो डिजरेली के इंग्लैंड से प्रभावित थी। क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक विकास का सूचक निम्नांकित में से कौन सा नहीं है? अब पिछले क्वेश्चन पेपर में ये ही क्वेश्चन आया था, लेकिन घुमा फिरा के आया था। लुशियन पाई का ईसीडी मॉडल 3 बार आ चुका है। ई का मतलब है इक्वालिटी या समानता, सी का मतलब है कैपेसिटी, क्षमता, और डी का मतलब डिफ्रेंसिएशन। तो आप समझ सकते हैं ईसीडी मॉडल आपके लिए कितना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, संघवाद का आदर्श स्वरूप अथवा अभीष्ट रूप है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद आदर्श मॉडल रूप है इसका, आइडल रूप। कार्यकारी विभाग की स्वतंत्रता किसका सिद्धांत है? अमेरिका का संविधान, क्योंकि अमेरिका में जो एग्जीक्यूटिव होता है, राष्ट्रपति होता है, वो विधान पालिका के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है, ठीक है। जैसे इंडिया का जो आपका कार्यकारी अध्यक्ष होता है, हेड होता है, प्रधानमंत्री, वो अपने मंत्रिमंडल के प्रति जिम्मेदार होता है। किसने कहा है कि उचित क्रांति को राजनीतिक तक प्रतिबंधित होनी चाहिए और सामाजिक तक विस्तृत नहीं होनी चाहिए? ये बात की थी चे गुवेरा ने। दोस्तों, चे गुवेरा जो ये एक महान क्रांतिकारी हुए हैं और क्यूबा के अंदर इन्होंने क्रांति लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित आयोगों में किसका संवैधानिक दर्जा नहीं है? दोस्तों, योजना आयोग का कहीं भी संविधान के अंदर जिक्र नहीं है और इसके स्थान पे अब नीति आयोग है। नीति आयोग की भी कहीं भी व्याख्या नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। निम्नांकित मामलों में से किसने भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की? केशवानंद भारती केस 1973। क्वेश्चन नंबर 11, स्वराज्य
ब्रिटिश संसद का निशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। यह कथन है महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12, राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में स्वीकृति दी जाती है अगर वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा के 6% वोट प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 13, समकालीन विश्व प्रणाली सिद्धांत का प्रमुख पथ प्रदर्शक है इमैनुअल वॉलरस्टीन, और ये क्वेश्चन पिछले पेपर्स में भी आया है। सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है ब्रेजनेव ने, ब्रेजनेव यूएसएसआर के ये अध्यक्ष रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यूएसएसआर के विघटन के बाद उनके कुछ गणराज्यों ने अपने को निम्नलिखित में गठित किया। दोस्तों 1991 के अंदर जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो उससे 15 अलग अलग देश बने जिनको बोला जाता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट। दोस्तों अभी कॉमनवेल्थ के अंदर आई थिंक 11 स्टेट है, जब वो आज़ाद हुआ था तो उसमें 15 स्टेट थे। कुछ स्टेट ने अपनी रिकॉग्निशन नहीं दी है कि हम सीआईएस में मिल रहे हैं कि नहीं, तो आपने एक बार चेक कर लेना है कि अभी सीआईएस में कितने सदस्य राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि ये क्या था? भेद मूलक। भेद मूलक का क्या मतलब है कि जिन राष्ट्रों के पास तो पहले से न्यूक्लियर पावर थी वो तो न्यूक्लियर पावर रख सकते थे, ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं थी वो नहीं बना सकते थे। तो ये एक प्रकार का भेद मूलक था कि जो आपके न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो क्या करेंगे, दुनिया पे राज करेंगे और दूसरों को नहीं बनाने देंगे। नव लोक प्रशासन के बारे में कौन सा सही नहीं है? दोस्तों यह जातिगत के बजाय लोक उन्मुख ज्यादा है, बिल्कुल नहीं, ये हाँ बिल्कुल ये लोक उन्मुख है, ठीक है, पब्लिक ओरिएंटेड ये ज्यादा है, बिल्कुल सही है। यह विवरणात्मक के बजाय विश्लेषणात्मक ज्यादा है, नहीं ये विवरणात्मक ज्यादा है और विश्लेषणात्मक कम है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे बी है। फेओल के अनुसार प्रशासनिक प्रशासक अथवा प्रबंधक में 6 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। निम्नांकित में से कौन सी उनके द्वारा बताई गई योग्यताओं में से प्रकट नहीं होती? तो ये है व्यवहार कुशलता, ठीक है, व्यवहार कुशलता की यहाँ पे फेओल ने बात नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नांकित में से कौन प्रकार्यात्मक फॉरमैनशिप जो नियोजन कक्ष में बैठते हैं जैसा कि डब्ल्यू टेलर ने बताया है नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के पूछा है कि निम्नांकित में से कौन प्रक्रियात्मक फॉर्मेन जो नियोजन कक्ष में बैठते हैं जैसा कि एफ डब्ल्यू टेलर ने बताया है नहीं है। यहाँ पे इन्होंने नहीं है की बात की है, तो नियोजन कक्ष में स्पीड बॉस नहीं बैठते हैं। ये कहाँ बैठते हैं? नियोजन आपके स्पीड बॉस बैठते हैं, सॉरी ये बैठते हैं आपके जहाँ पे काम हो रहा होता है, ठीक है, मशीन जहाँ पे, इसको इन्होंने बोला स्टोर लेवल पे या दुकान लेवल पे बैठते हैं स्पीड बॉस, ना कि कार्यालय के अंदर। किस विद्वान ने नौकरशाही के मैक्स वेबर के मॉडल को विकासशील और परिवर्ती समाजों की प्रशासनिक पारिस्थितिक व्यवस्था करने के लिए अप्रासंगिक और अनुपयुक्त पाने के बाद ऐसे समाजों के अध्ययन के लिए प्रिज्मीय और साला मॉडल विकसित किए? दोस्तों कई बार आ चुका है एफ डब्ल्यू रिग्स। क्वेश्चन नंबर 21, हर्बर्ट साइमन के अनुसार मैक्सिमाइजेशन डिसीजन संभव नहीं है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार क्या है? मैक्सिमाइज
मैक्सिमाइज डिसीजन नहीं संभव नहीं है। मैक्सिमाइजिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है? ऐसा डिसीजन जिसके द्वारा हमेशा सही निर्णय लिया जाए, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वह मानते हैं कि प्रशासनिक व्यवहार में विवेक अथवा युक्तता संभव है। ठीक है, वो बोलते हैं कि विवेक के द्वारा तो हम वहाँ पे अच्छा निर्णय ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये बिल्कुल सही तरीके से इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है ए। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है और बहुत ही घुमा फिरा के पूछा है, तो 22 का यहाँ पे आंसर देना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हो गया है। बुक्स भी मेरे पास दो है, तो प्रीवियस ईयर पेपर की दो बुक है, तो दोनों में एक में दिया है बी और एक में दिया है सी। एक में बी दिया है, एक में सी दिया है, तो इसका आंसर मुझे खुद भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये महात्मा गांधी ने जो ये निर्धारणवाद की बात कहाँ की है बुक के अंदर मुझे नहीं मिल पा रहा है। अगर मिलेगा तो मैं इसे जल्दी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। सामाजिक तथा आर्थिक सुधारों से हुए लाभों को बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिकों को धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, अगर सामाजिक और आर्थिक सुधारों से लाभ हमें लेना है ना, तो नागरिकों को कम से कम धैर्य तो बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सामाजिक और आर्थिक सुधार चाहते हो और 2 दिन में ही आपको सुधार मिलेगा, हो सकता है उसमें 4 साल भी लगे, 5 साल भी, तो धैर्य तो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, रीजन बता रहा है, भारतीय समाज लोकतांत्रिक मंथन आंदोलन में अंतर्ग्रस्त है। बिल्कुल सही बात है, भारतीय समाज क्या है? लोकतांत्रिक मंथन, कि लोकतंत्र को कैसे स्ट्रोंग बनाया जाए उसके ऊपर काम अभी चल रहा है, इसलिए अभी जल्दी से जल्दी हमें उसके नतीजे नहीं मिलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अधिमानिक नीतियाँ अनिवार्य तौर पर औचित्य के सिद्धांत का हमेशा उल्लंघन नहीं करती है। दोस्तों ये अधिमानिक शब्द ही बहुत टफ है। ये है प्रेफरेशनल, प्रेफरेंशियल, प्रीफ्रेंशियल, सॉरी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। ठीक है, एक बार देखते इसको। अधिमानिक नीतियाँ अनिवार्य तौर पर औचित्य के सिद्धांत का हमेशा उल्लंघन नहीं करती है, नहीं करती है। ओके, बिल्कुल सही है, नागरिकों को एक समान समझने के लिए उन्हें भिन्न भिन्न रूप से लेने की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी, इसका जो सही उत्तर है बी है, लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि क्यों इसका आंसर बी है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 25, 1648 में सृजित वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम उत्तर साम्यवादी विश्व में युक्तियुक्त नहीं है। अब 1648 का वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसको। वेस्टफेलियन सिस्टम में क्या है, जिसमें 4 तत्व अपनाए गए थे राज्य के, ठीक है, और प्रभुसत्ता वहाँ पे क्या है, सुप्रीम मानी गई थी, क्योंकि क्षेत्रीय प्रभुसत्ता की पवित्रता यूएन प्रतिबंधों से समाप्त हो सकती है। देखा, वेस्टफेलियन स्टेट में क्या है, प्रभुसत्ता को मूल मान्यता दी गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्षेत्रीय प्रभुसत्ता यूएन प्रतिबंधों से खत्म हो रही है। अगर यूएन प्रतिबंध किसी राज्य की पॉलिसी बनाने में लगा रहा है, तो कहाँ प्रभुसत्ता संपन्न रह गया है, राज्य रह गया है। प्रभुसत्ता संपन्न तो सुप्रीम अथॉरिटी होती है ना, कि उसके ऊपर कोई जा ही नहीं सकता है, उससे ऊपर कोई रूल बना ही नहीं सकता है। यहाँ पे यूएन बना रही है ना, यूएन यहाँ पे बना रही है, तो इसका मतलब क्या है, वेस्टफेलियन जो स्टेट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को, प्रशासनिक विज्ञान को मानवीय व्यवहार के बारे में तथ्यों का अध्ययन मूल्यों के प्रश्न में अंतर्ग्रस्त हुए बिना करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है,
जब भी हम प्रशासनिक विज्ञान, जहां पे विज्ञान की बात आती है, विज्ञान क्या है, मूल्यों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता है। जो हमारी वैल्यू सिस्टम है ना, वैल्यू सिस्टम को हम परख नहीं सकते हैं। विज्ञान किसकी बात करता है, तथ्यों की बात करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल, यहाँ पे असर्शन बिल्कुल सही है। विज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सिद्धांतों को बनाने से पूर्व वह अवधारणाएं विकसित कर लें, बिल्कुल गलत है। अगर कोई चीज़ विज्ञान बननी है, कोई चीज़ अगर मतलब सिद्धांत अगर हमें बनाना है, तो सिद्धांत को बनाने से पहले हमें अप्रोचेज बनानी पड़ेगी। अप्रोचेज से ही आगे जाके क्या बनता है, सिद्धांत बनता है। तो आर यहाँ पे बिल्कुल गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए। ए सत्य है और आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 27, दी स्टेट्समैन प्लेटो की रचना है, और इसमें से कालक्रम में करना है, मतलब आपको मैच करना है। एमिली, एमिली शिक्षा के ऊपर रूसो की बुक है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा में सुधार कैसे करना है। अ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, अ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट बेंथम ने लिखी है, और आर्ट ऑफ वॉर मैकियावेली की है। तो 27 का सही आंसर यहाँ पे होगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है इसको। 28 का सही आंसर है सी। एन एसे कंसर्निंग टॉलरेशन, एन एसे कंसर्निंग टॉलरेशन, ये जॉन लॉक की बुक है। डी सी वी, डी सी वी आई थिंक, डी सी वी मुझे याद नहीं आ रहा है किसकी है, आपने देख लेना है। कन्फेंशन है रूसो की बुक, और पॉलिटिकल लिबरलिज्म है, ये आपकी लेटेस्ट बुक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, जॉन रॉल्स की, और 1992 के अंदर ये प्रकाशित हुई है। 91, 92, 92 आई थिंक, 92 के अंदर प्रकाशित हुई है। तो इसका सही क्रम है 2, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नांकित को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है आपने, ठीक है। और इसमें ये कमेटी दी है, सबसे पहले दी है फुलटन कमेटी, इसको फुलटन कमेटी रिपोर्ट भी बोलते हैं, फुलटन। और ये ब्रिटिश जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड ये कमेटी बनी थी 1968 के अंदर। ब्राउन लो कमेटी बनी है 1937 के अंदर। प्रथम हुअर आयोग रिपोर्ट, प्रथम हुअर आयोग रिपोर्ट 1947, और एशिटन कमेटी रिपोर्ट आई है 1944 के अंदर। और दोस्तों ये जितनी भी कमेटी यहाँ पे दी है, चारों की चारों इंग्लैंड से रिलेटेड है। तो 29 का सही आंसर आया है डी। क्वेश्चन नंबर 30, अब तक आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलनों को आपने क्या करना है, कालक्रम में लिखना है। तो ये लास्ट ईयर भी आया है, इस साल भी आया है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रियो डी जेनेरियो 1992, क्योटो शिखर सम्मेलन 1997, बाली 2007, और कोपनहेगन 2009 के अंदर। तो इसका सही क्रम होगा 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें भी आपको कालानुक्रमिक करना है इसको। सबसे पहले आता है दार्शनिक विचारधारा, फिलोसफिकल अप्रोच ऑफ प्लेटो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3, तो इसका सही आंसर भी हमारे पास आ गया है डायरेक्टली। उसके बाद आता है मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा के बाद आती है व्यवहार परक, व्यवहारवादी विचारधारा 1953 के अंदर। और सबसे बाद आती है नव सांस्थानिक विचारधारा 1970s के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32, ये थिंकर दिए हैं, इन थिंकर्स को आपने क्या करना है, कालक्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं इसको। इसका करेक्ट आंसर है सी। सबसे पहले जेम्स ब्राइस, उसके बाद
एच डी लास्वेल, फिर ए वी डाइसे और सबसे लेटेस्ट थिंकर है आर्थर एफ बेंटले। क्वेश्चन नंबर 33, इसको भी कालानुक्रमिक करना है। कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था 1946 में, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, साइमन कमीशन आया था 1928-29 में, कम्युनल अवार्ड दिया गया था 1932 के अंदर। तो इसका सही क्रम होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित राज्यों को गठित होने के सही कालक्रम में आपने लिखना है, ठीक है, मतलब इनका गठन कब हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं गोवा, गोवा सबसे लेटेस्ट बना है इनमें, गोवा बना है 1987 के अंदर, गोवा 1987 के अंदर बना है। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है 1971 में, उससे पहले ये भी यूनियन टेरिटरी हुआ करता था 1971 में। और हरियाणा और पंजाब का जो डिवीज़न हुआ है 1967-66 के अंदर, और सिक्किम आपको पता ही है 1975 के अंदर ये बना है। तो इसका सही कालक्रम क्या होगा, सबसे पहले 3 2 4 1, 3 2 4 1। देखते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इसको भी कालक्रम में आपने लगाना है और यहाँ पे संधियाँ दी है जो आपकी इंटरनेशनल सिनेरियो में संधि हुई है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और इसका मैं आपको आंसर बता दूँ तो इसका सही आंसर है सी नाटो, नाटो बनी है आपकी 1949 के अंदर। वार्षा संधि, वार्षा पैक्ट बना है आपका 1955 के अंदर, और हेलसिंग उसके बाद ऑस पॉलिटिक AOS, ये अमेरिका का है, और सबसे लास्ट में हुआ है हेलसिंकी समझौता। ये भी आपको कालानुसार आपको इसको रखना है। बर्लिन की दीवार का पतन 1989 में, जो कि एक संकेत था शीत युद्ध के पतन का, या शीत युद्ध खत्म होने का ये एक संकेत था बर्लिन की दीवार का गिराना। क्यूबन मिसाइल संकट आया है 1960-61 में, और कोरियन युद्ध हुआ है 1950-52 में। बर्लिन की नाकाबंदी की गई है 1947-48 के अंदर, ठीक है। तो इसका सही कालक्रम क्या होगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है डी। इसको भी आपने कालक्रम में सही लगाना है, ये थिंकर दिए हैं और इंडियन थिंकर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद राजा राम मोहन रॉय, उसके बाद आते हैं सर सैयद अहमद खां, और सबसे लेटेस्ट इनमें है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 38, पुस्तकों को प्रकाश क्रम के अनुसार आपने क्या करना है, कालक्रम में इनको लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, और ये पुस्तक लिखी थी आजाद ने, ठीक है, आजाद, अब्दुल आजाद, अबुल कलाम आजाद, ये आपके जो इनका एक्चुअली नाम भूल गया हूँ मैं, लेकिन आजाद लगाते ये मौलाना आजाद, ठीक है, मौलाना आजाद ने लिखी है ये बुक, और ये लिखी है इन्होंने
1946 के अंदर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ गांधी जी ने लिखी है, और आइडिया ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स ने, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है 1922 से लेके 42 के बीच। तो इसका सही कालक्रम यहाँ पे होगा सी सी, ठीक है। सबसे पहले माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसके बाद इंडियन स्ट्रगल, और उसके बाद आपका इंडिया विंस फ्रीडम, और सबसे लेटेस्ट हमारी पुस्तक आई है आइडिया ऑफ जस्टिस 1971 में। क्वेश्चन नंबर 39। अब ये रिट्स है, जो आपकी रिट्स जारी होती है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार पृच्छा, लोकसत्ता को अपनी ड्यूटी के लिए आदेश, लोकसत्ता को अपनी ड्यूटी के लिए आदेश, इसका मतलब है हम आदेश देते हैं, मतलब परमादेश, हम आदेश देते हैं परमादेश, स्वयं व्यक्ति को पेश करने की का आदेश, व्यक्ति को पेश करो मतलब हैबियस कॉर्पस। तो ए का सही आंसर यहाँ पे है 2। सार्वजनिक पद पर व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करना, अधिकार पृच्छा, कि आपने किस अधिकार से वो काम किया, क्या आपका वो अधिकार क्षेत्र था, तो इसमें क्या है वैधता चेक की जाती है। और सबसे बाद है अवर न्यायालय या न्यायिक निकाय को अपनी सीमा से पार ना जाने के लिए निर्देश देना, ये है उत्प्रेषण लेख। तो इसका सही आंसर यहाँ पे होगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। इसमें संप्रदाय दिए हैं और उनकी अवधारणाएं दी है कि उन्होंने क्या अवधारणाएं विकसित की। कैम्ब्रिज समुदाय, समुदाय जो कैम्ब्रिज संप्रदाय था वो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन सरकार में ऊपर की आमदनी और लाभों के लिए अभिजनों के बीच स्वार्थपूर्ण लड़ाई का परिणाम है कि बात करता है। मार्क्सवादी संप्रदाय आपको पता ही है, ये बुर्जुआ आंदोलन की बात करते हैं, कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है निर्मित बुर्जुआ आंदोलन है, कि मतलब उसमें बुर्जुआ लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल वकील है उसमें, डॉक्टर है, और बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। तो ये निर्मित बुर्जुआ आंदोलन बोलते हैं। साम्राज्यवादी संप्रदाय ये बोलते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन अभिजनों की आवश्यकताओं और हितों को प्रकट करता है, सिर्फ अभिजनों की। राष्ट्रवादी संप्रदाय ये बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन साम्राज्यवाद का विरोध नहीं करता था, ठीक है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे होगा बी, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 41, ये यहाँ पे दिए हैं थिंकर्स जो कि पॉलिटिकल डिक्लाइन से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल डिक्लाइन से, कि आखिर पॉलिटिकल डिक्लाइन क्यों हुआ। मैंने एक वीडियो डाली है रिवाइवल एंड डिक्लाइन एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, आप उसको भी देख सकते हैं, उसके अंदर भी मैंने ये अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आप मैं एक लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं इसको। ए, अल्फ्रेड कोबन, अल्फ्रेड कोबन क्या बात करते हैं, ये बोलते हैं क्योंकि विगत एक शताब्दी से हॉब्स और हेगल तथा मार्क्स और मिल के बाद उनकी टक्कर का कोई विचारक सिद्धांतकार नहीं हुआ है, इसीलिए क्या है राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ, ये अल्फ्रेड कोबन बोलते हैं। उसके बाद है आपके एस एम लिपसेट क्या बोलते हैं कि प्रत्यक्षवाद के उदय होने और विचारधाराओं के प्रभुत्व के कारण राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है। थर्ड नंबर पे है हमारे दांते जर्मिनो, दांते जर्मिनो, दांते जर्मिनो ने नौकरशाही,
नौकरशाही द्वारा जबरदस्त नियंत्रण और राजनीतिक चिंतन प्रतिकूल विशाल सैनिक तंत्र के कारण राजनीतिक सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, ये बोलते हैं दांते जर्मिनो। और उसके बाद लास्ट हमारे बचे डेविड स्टन। तो डेविड स्टन आपको पता ही है, क्योंकि उपयुक्त समाज के लिए पुरानी युगों वाली तलाश समाप्त हो गई है और समकालीन समाज के लिए उपयुक्त मूल पहले ही तय किए जा चुके हैं, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। दोस्तों, इन पॉइंट्स को आपने अच्छे से याद कर लेना है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सीबीएसई नेट के पर्पस से, कि कौन से थिंकर ने क्या कारण बताए हैं राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, एजेंडा फॉर पीस। अब दोस्तों, ये पुस्तकें लिखी है जो यूएनओ के महासचिव थे, और ये एजेंडा फॉर पीस पीस लिखी है, एजेंडा फॉर पीस लिखी है कोफी अनान ने, एजेंडा फॉर पीस बुक लिखी है कोफी अनान ने। सॉरी, कोफी अनान ने नहीं लिखी है, एजेंडा फॉर पीसी पीस लिखी है बुतरस बुतरस घाली ने। यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया, इसमें बुटरो बुटरो लिखा है, बट ये है बुतरस बुतरस घाली, ठीक है, बुतरस बुतरस घाले। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट है कनाडा की सरकार की, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट कनाडा की सरकार की। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल दिया है कोफी अन्नान ने, 2000 2000 से 2015 तक ये लक्ष्य रखे थे जो कि पूरे हो गए हैं, और अब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। अफवाह पॉलिसी लिखी है ओबामा ने। तो 42 का करेक्ट आंसर है ए, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 42। क्वेश्चन नंबर 43, ये सूची एक को सूची दो से मिलाना है आपको। विधि का शासन, विधि के शासन से जुड़े हैं डायसी। शक्ति पाथर के मतलब शक्तियों का पृथककरण मोंटेस्क्यू ने दिया है। प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक, और एकत्ववाद प्रभु प्रभुसत्ता का एकल दर्शन दिया है जॉन ऑस्टिन ने। तो 43 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए, 3142। क्वेश्चन नंबर 44, सूची एक को सूची दो के साथ आपको मिलाना है, और यहाँ पे कुछ आयोग दिए हैं, आयोगों को आपने मिलाना है, जैसे कि छागला आयोग मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व से रिलेटेड बना था, मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व। प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या सिफारिश की वो आपको बताना है। इन्होंने की थी आईएएस के कार्यात्मक क्षेत्र के बारे में अपनी सिफारिश इन्होंने दी थी, और गोरे कमेटी जो बनी थी वो आईपीएस के प्रशिक्षण को लेके बनी थी। सरकारी आयोग आपको पता ही है भारत की विदेश नीति के या विदेश सेवा को सुदृढ़ीकरण के लिए ये बनाई गई थी। तो 44 का करेक्ट आंसर है बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, ये पब्लिक एड और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। स्टाफ एजेंसियों की बात की है मुने ने, और निरीक्षण की बात करते हैं मिल्लट, ठीक है, कैट मिल्लट। और सत्ता की बात की है बर्नार्ड ने, ठीक है, सत्ता की बात की है बर्नार्ड ने, और समन्वय की बात की है गुलिक ने। तो 45 का करेक्ट आंसर होगा, 45 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 46, सूची एक को सूची दो के साथ आपने मिलाना है, और भारतीय सरकार अधिनियम 1919,
भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में क्या है? प्रांतों में द्वितंत्र डायार्की अपनाई गई थी, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। जो 1919 का मार्ले मिंटो जो सुधार था, उसमें प्रांतों में डायार्की अपनाई गई थी। डायार्की का मतलब है कि जो आपके सब्जेक्ट है वो दो भागों में बांटे जाएंगे, ठीक है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में क्या है? प्रांतों को कुछ हद तक स्वायत्तता प्रदान की गई थी। अब ये मोंटेंक्यू चेम्सफोर्ड है 1919 का, गलती से मार्ले मिंटो मैंने बोल दिया, ये मोंटेंक्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। और मार्ले मिंटो 1909 में क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रारंभ किए गए थे। इसमें सिखों के लिए और मुसलमानों के लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 प्रांतों के लिए वैधानिक परिषदें बनाने की बात करते हैं, तो 46 का करेक्ट आंसर यहां पे है सी, क्वेश्चन नंबर 47। बीजेपी का गठन हुआ है 1980 के अंदर। सरकार द्वारा मंडल आयोग रिपोर्ट को स्वीकृति दी गई थी 1990 के अंदर। और भारतीय राज्य में प्रथम साम्यवादी सरकार बनी 1957 के अंदर केरल में। और 42वें संशोधन का परिच्छेद हुआ है 1976 में, 42nd अमेंडमेंट 1976 में। तो 47 का करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 48, सूची एक को सूची दो से यहाँ भी आपको मिलाना है। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत, मानकीय राजनीतिक सिद्धांत है प्लेटो का, ठीक है। और राजनीति के विज्ञान का जनक बोला जाता है अरस्तू को। प्रत्यक्षवाद का जनक है ऑगस्ट कामटे। और आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक है मैक्यावली। तो 48 का करेक्ट आंसर भी होगा, 48 का करेक्ट आंसर है डी। क्या हो रहा है? इसका करेक्ट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 49, मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत बात करता है वर्ग संघर्ष की। वास्तविक वास्तववादी रियलिस्ट थिंकर जोर देते हैं पावर पर। निर्णय सिद्धांत देता है वातावरण पे, कि निर्णय लेते समय एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है हमारे निर्णयों पर। क्रीड़ा सिद्धांत देता है पे ऑफ पे, प्रतिफल। तो 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी। क्वेश्चन नंबर 50, नव उदारवादी चिंतक, नव उदारवादी चिंतक है रॉबर्ट नोजिक। उदारवादी चिंतक है जॉन रॉल्स। मार्क्सवादी चिंतक है रोजा लम्सबर्ग। और तृतीय विश्व की बात करते हैं, थर्ड वर्ल्ड की बात करते हैं, एडवर्ड सईद। एडवर्ड सैड दिया यहाँ पे, लेकिन ये एडवर्ड सईद है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर यहाँ पे है बी। दोस्तों ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।